हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फैमिली लिलिएशी। आज हम जानेंगे फैमिली लिलिएशी के बारे में, इसके जनरल कैरेक्टर, टैक्सोनॉमी, फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फार्मूला एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली लिलिएशी। ठीक है, ए लार्ज फैमिली ऑफ मोनोकॉटिलेडोन्स, ये क्या है? मोनोकॉटिलेडोन्स की लार्ज फैमिली है। ठीक है, आल्सो नोन एज ओनियन फैमिली, इसको ओनियन फैमिली के नाम से भी जानते हैं। हम देखते हैं सिस्टमेटिक पोजिशन इसका। डिवीजन एंजियोस्पर्मी, क्लास मोनोकॉटिलेडोन, सीरीज कोरोनरी, आर्डर लिलियल्स, फैमिली लिलियसी। ठीक है, आइए देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैबिटेट। देयर आर 250 जनरा एंड 3700 स्पीसीज आर रिपोर्टेड इन होल वर्ल्ड। ठीक है, एंड 36 जनरा एंड 150 स्पीसीज आर रिपोर्टेड इन इंडिया। यानी कि 250 जनरा जो हैं होल वर्ल्ड में पाए जाते हैं, जिनमें कि 3700 स्पीसीज हैं, और 36 जनरा और 150 स्पीसीज कहाँ पाई जाती है? इंडिया में। दीज आर मेजोफाइट्स एज वेल एज जीरोफाइट्स। ठीक है, मोस्टली फाउंड इन टेम्परेट रीजन। टेम्परेट रीजन मीन्स जहाँ पे सीजनल, मतलब कई सीजन चेंज होते हैं, जैसे ऑटम सीजन, विंटर सीजन, समर सीजन आदि। ठीक है, एंड रेनी सीजन, इसी को क्या बोलते हैं? टेम्परेट रीजन। प्लांट आर मोस्टली पेरिनियल एंड हर्बेसियस। प्लांट क्या होता है? पेरिनियल होता है, यानी कि एकवर्षीय होता है, या बहुवर्षीय भी होते हैं कुछ प्लांट। हर्बेसियस होता है, यानी कि ग्रीन होता है। वेजिटेटिव करेक्टर में हम देखते हैं इसकी रूट सिस्टम क्या होता है? एडवेंटेजियस टाइप का होता है। ठीक है, और स्टेम कैसे होता है? अंडरग्राउंड पेरिनियल बल्ब लाइक। ठीक है, स्टेम कवर्ड बाई ए स्केल लीफ। स्टेम जो होता है स्केल लीफ से कवर्ड होता है। ठीक है, जैसे कि हम प्याज में देखते हैं एक छोटा सा डिस्क लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसी क्या बोलते हैं? स्टेम वही होता है। ठीक है, जो होती हैं आर बेसल, यानी कि एलियम और लिलियम में बेसल टाइप की लीफ होती है। दे आर यूजुअली अल्टरनेट, रेयरली अपोजिट टाइप की होती हैं, वर्ल्ड होती हैं। ठीक है, दे वेरी इन शेप फ्रॉम लीनियर टू ब्रॉडली। ठीक है, ये फ्लेसी भी होती हैं इसकी लीफ। ठीक है, विनेशन यूजुअली पैरेलल, बट इन सम केसेस नेट वेंड होता है। ठीक है, देखते हैं इनफ्लोरोसेंस में रेसिमोस टाइप का होता है। फ्लावर ब्रैक्टीरियड, बाइसेक्सुअल, रेयरली यूनिसेक्सुअल, एक्टिनोमार्फिक और जाइगोमार्फिक टाइप का होता है। ट्राइमेरस होता है एंड हाइपोगाइनस टाइप का होता है। ठीक है, इसमें पेरियंथ पाया जाता है, टेपल सिक्स होते हैं। पेरियंथ की यूनिट को क्या बोलते हैं? टेपल बोलते हैं, और प्रेजेंट इन टू वर्ल्स, और टू वर्ल्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, कैलिक्स थ्री होता है, पॉलीसेप्लस कंडीशन में इम्ब्रिगेट या वाल्मेटेस्टाइवेशन पाया जाता है। कोरोला पेटल थ्री होते हैं पॉलीपेटलस कंडीशन में, इसमें भी इम्ब्रिगेट या वाल्मेटेस्टाइवेशन पाया जाता है। एंड्रोसियम हम देखते हैं स्टेमल सिक्स होता है, अरेंज इन टू वर्ल्स। ठीक है, बट इन केस ऑफ फीमेल प्लांट फ्लावर इट रिप्रेजेंटेड बाई पैपस फॉर्म। फीमेल फ्लावर में क्या होता है? पैपस फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, स्टेमन क्या होता है? हाइपोगाइनस, ट्राइमेरस एंड ट्राइकार्पेलरी टाइप का होता है, और ओव्यूल इसका एनाट्रोपस होता है, और प्लेसेंटेशन एक्साइल टाइप का पाया जाता है। ठीक है, फ्रूट कैप्सूल आर ब्रेरी पाई टाइप का होता है, कुछ में पीपो भी होता है। ठीक है, सीड क्या होता है? मल्टी सीडेड होते हैं। पॉलिनेशन इंसेक्ट टाइप से होता है, एनिमल एंड ह्यूमन द्वारा होता है। फ्लोरल फार्मूला हम देखेंगे एस्फोडेलस का। ब्रैक्टीरियड होता है एक्टिनोमार्फिक, हाइपो बाइसेक्सुअल, पेरियन 3+3 और एंड्रोशियम 3+3, गाइनेशियम में ट्राइकार्पेलरी, हाइपोगाइनस यानी कि सुपीरियर ओवरी। ठीक है, आइए देखते हैं फ्लोरल फार्मूला इसका। डेल्सस का फ्लोरल डायग्राम देखते हैं, ये क्या है? पेरियंथ है, 3-3 की कंडीशन में, 3 बाहर है, 3 अंदर है, जो जिसको कि टेपल बोलते हैं। वाल्वेटेस्टाइवेशन में इसमें पाएगी ये मदर एक्सिस, और 3+3 की कंडीशन में हम देख रहे हैं एडनेस स्पेसिफिक्स और इंट्रोस टाइप का स्टेमन है, और इसकी गाइनोसियम जो है ट्राइकार्पेलरी और एक्जाइल टाइप का प्लेसेंटेशन पाया जाता है। आइए देखते हैं मेल एंड फीमेल फ्लावर अलग अलग। फीमेल फ्लावर इसमें हम देख रहे हैं स्टेमन क्या है? पैपस फॉर्म में है। ठीक है, और ये ट्राइकार्पेलरी, ट्राइलॉक्युलर। ठीक है, और इसमें हम देखते हैं मेल फ्लावर में, इसमें 3+3 की कंडीशन में एडनेस इंट्रोस स्पेसिफिक टाइप का स्टेमन पाया गया है। ठीक है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में हम देखते हैं एडिबल टाइप का बल्ब ऑफ एलियम सीपा खाया जाता है। ओनियन या जिसको प्याज बोलते हैं पॉपुलर वेजिटेबल है। एलियम सैटिवम जिसको गार्लिक बोलते हैं वो भी फ्लेवरिंग है, फ्लेवर के रूप में प्रयोग होता है, मसाले के रूप में। हम देखते हैं स्पारगस की रूट जो होती है, प्रिपरेशन ऑफ मेडिकेटेड ऑयल यूज फॉर नर्वस एंड ज्यूमेटिक कॉम्प्लेंट्स। ठीक है, स्पारगस की रूट जो होती है इससे मेडिसिन बनाई जाती है, ऑयल बनाई जाती है, जो कि नर्वस या फिर रूमेटिक कॉम्प्लेंट्स में हेल्प करता है। ठीक है,
ओरिएंटल में हम देखते हैं यक्का, लिलियम और एगापेंथस आदि जो होते हैं प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, वेजिटेबल एज मेडिसिन, एज आर्नामेंटल प्लांट, बैक्टीरिया रिमूवल और हर्ट की दवा भी इससे बनती है आदि में प्रयोग होता है। ठीक है, थैंक यू।